Allah, 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 Allah. काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कतब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए आडियो और वीडियो फार्मेट में दस्तियाब है और बिलआमूम तमाम मुसलमान बरदरान खाहरान के लिए दस्तियाब हैं इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकान को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए के आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे काशानाए बसीरत काशानाए बसीरत काशानाए बसीरत काशानाए बसीरत बिसम ला रहीकम सामीन ये काशार बसरत का यूट्यूब चैनल है जहाँ पर हम आजकल पढ़ रहे हैं किताब अलीमाम से मेहदी तक आय महलैतम की सीरत और उनकी जिंदगानी पर एक जाम किताब है जिसके मोलिफायातल बाकर शरीफ अल्कर्शी हैं और ये है हमारी रीडिंग का पार्ट नंबर ट्वेंटी थ्री पेज नंबर थ्री जीरो फाइव पर हम पढ़ने का आगाज़ करने जा रहे हैं और ये भी मैं आपको बता दूँ कि इस सफ़े के ऊपर सिर्फ मौला का नाम लिखा है हज़रत इमामूसा काज़िम्सम और उसके बाद पेज थ्री हंड्रेड एंड सिक्स से लेकर पेज थ्री हंड्रेड एंड थर्टी थ्री तक टोटल ये सफ़ात हैं कि जिनमें इमामूसा काजिमल्ल के हवाले से तफसलत हैं यहाँ पर जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं और ये हम इन श्ला दो नशस्तों में मुकम्मल करेंगे ताकि हम आराम आराम से ठहर थह ठहर के पढ़ें क्योंकि अगर हमने एक ही इसमें नश्त में, में मुकम्मल करना चाहा तो हमें बहुत तेज़ दौड़ना पड़ेगा तो हमें तेज़ दौड़ने का तो कोई शौक भी नहीं है हम आराम आराम से पढ़ेंगे ठीक है हाफ हाफ़ पढ़ लेते हैं चलें जी अब हम सबसे अब पहले हेडिंग तो आप मैंने आपको बता दी बस चलिए आगाज़ करते हैं बिसम रहीम है बेशक हज़रत इमाम मूसा बिन जाफ़र आलम की ज़िंदगी नूर करामत और हसन सलूक का सरचश्मा है उनका फ़ैज़ दायम है जिसमें रसूल सल्लाम की रूहानियत जहाद रविश और पाबंदी दीन की जलवा नुमाई बिल्कुल मुजस्म शक्ल में मौजूद है आप की सीरत व किरदार के मुख्तलिफ हालात मंदरजा ऐल हैं अब यहाँ पे हेडिंग है, है रविम और महक्कीन का इस बात पर इजमा है कि आप अपने जमाने के आलिम थे आपूम व मारिफ की बड़ी ताकत वत के मालिक थेमाँ औरवी आप केलूम के चश्मे से सैराब हुए वो इमाम के ज़रिए अकवाल और आदाब के मुतल जो फ़त्वा देते उसको लिखने में एक दूसरे पर सबकत हासिल करते थे बैतले ने सब में से सबसे पहले तशरीह इस्लाम में हलाल और हराम के बाब का आगाज किया हवाला है फ़िका अस्लामी दाल खेला मुदखल दर्स रास्ता निज़ाम मामलात सफ़ा नंबर वन सिक्सटी हम मैंने हिज्ज भी कर दी क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा अटक रही थी आगे चलते हैं अब लिखा है आप के ज़माने में आपके मदरसे से बड़े बड़े उल्मा और फ़कह फ़ारगहसील हुए आपने हमने अपनी किताब हयातुल इमाम जाफ़र हयातुल इमाम बिन जाफर आ, सलाम में आप जाफ़राम के असाब और आपके और आपसे हदीस नक़ल करने वाले रावियों की तादाद तीन सौ इकत्तीस बयान की है इन इना में से बाज़ आप सलाम ही के दौर में इल्मी मैदान में फ़ाल हुए जैसे कि बाज़ बाज़ल ने इमामत के मुनकर और दूसरे तमाम फ़र्क व के केमाँ के साथ मनाजरे के मैदान में कदम रखा जिनमें सबसे नुमाया आप आपाम के सहाबी हाशिम रज़ी अल्लाह बिन हकम थे हे काफ मीम है और हे के ऊपर ज़बर है फिर लिखा है उन्होंने बराम का बेर अलिफ मीम काफ़ है उन्होंने बराम का के साथ बड़े अच्छे मनाजरे किए और बे लाम अलिफ तोय बिलात अब्बासी में इमामत के मुतक शियों के मज़हब को असल दलील व बुरहान के ज़रिए साबित किया अब पेज अगले पेज पर पे हम आ गए थ्री हंड्रेड एंड सेवन पर लिखा है हमने अपनी किताब हयातलमूसा काजिमसम की दूसरी जल्द में हशाम रज़ी अल्लाकम के मनाजरों के मुत तहरीर किया है फिर लिखा है कि इमाम के मनाजरे ये अब मनाजरों के हवाले से तफसील जानते हैं यहाँ पर लिखा है कि इमाम मूसा सलाम ने अपने दुश्मन और बाज यहूदी और ईसाई उलमा के साथ हैरत अंगेज और मौकम मनाजरे अंजाम दिए जो आप की ताकत बर दलालत करते हैं जो भी आपना करता और आजिज़ व कमज़ोर साबित होता इमाम के हजरत होने का यकीन कर लेता और खुद पर आप की इल्मी बरतरी का मोतरफ हो जाता अब सामीन लिखा है कि सलाम के बाज मनाजरे मंदरजा झैल हैं अब इन्होंने लिखा है बाज़ अब मैंने गिनती की है तो इसमें टोटल तीन मनाजरे हैं ज़ाहिर तफसील से हैं उसको पढ़ेंगे यकीनन अच्छा भी लगता है मनाजरे पढ़ के आई है सबसे पहला जो मनाजरा है वो है उसकी हेडिंग है नफ़ी नून फ़े ये आन नफ़ी अंसारी के साथ मनाजरा लिखा है नफ़ी अंसारी इमाम सलाम से बुग्ज़ व कीना रखने वालों में से था जब वो अब्बासी ममलिकतों में इमाम सलाम का इकराम और तकरीम कर तकरीम होते देखता तो गुस्से से भर जाता जब इमाम सलाम हारून के पास तशरीफ़ ले जा रहे थे तो हारून के दरबान ने आके आगे बढ़कर इमाम सलाम का बेहद इस्तबाल किया जब आप सलाम हारून के पास से जाने लगे तो नफ़ी नून फे ये आन नफ़ी के साथ अब्दुल अजीज़ ने कहा कि ये बुजुर्ग कौन है तो कहा कि ये बुज़ुर्गवार अबू तालब की औलाद में से हैं मूसा बिन जाफ़र इनका नाम है और अनफिल्खा नफी ने कहा कि मैंने इस कौम यानी कि बनी अब्बास से आज़ कौम नहीं देखी जो इस शख्स की इतनी ऐसी तजीम व तक्रीम करती है जो इनको तख्ते हुकूमत से नीचे उतारने के दरपे पर है जान ले जब ये बाहर निकलेंगे तो मैं इनको जलीलो रसुआ करूँगा लिखा है अब्दुल अजीज ने उसको इमाम के बारे में इस तरह की बातें करने से मना करते हुए कहा कि ऐसी बातें ना करो ये वो अहले सलाम हैं जब भी किसी ने इनसे ऐसी बातें की हैं उसका ऐसा जवाब दिया कि जो कयामत तक कोई जवाब ना ला सके जब इमाम हारून के पास से निकले तो नफ़ी ने आप के मरकब की लगाम पकड़ते हुए कहा कि आप हैं तो आप इमाम सलाम ने फरमाया कि शख्स अगर तुम मेरा नसब पूछना चाहते हो तो मैं अल्लाह के हबीब सल्ला वम का फ़र्जंद हूँ इमाम सलाम ज़बी अल्लाह का फ़र्ज़ंद हूँ और इब्राहिम सलाम खलील अल्लाह का फ़र्जंद हूँ अगर तुम मेरे वतन के मुतल सवाल करते हो तो मैं इस शहर का रहने वाला हूँ कि जिसमें अल्लाह ने मुसलमानों और तुझ अगर तू मुसलमान में से है तुझ पर हज वाजिब करना वाजिब करार दिया है हज करना वाजिब करार दिया है अगर तुम हम पर फख्र करना चाहते हो तो याद रखो मैदान जंग में हमारी कौम के मुशरिकों ने तुम्हारी कौम के मुसलमानों को अपने बराबर का नहीं समझा था और मैं मैदान में साफ कह और मैं और मैदान में साफ़ कह दिया था के हमारे बराबर के अफराद को हमारे मुकाबले से हमारे मुकाबले के लिए भेजो और फिर इमाम ने साथ साथ फरमाया कि मेरे मरकब की लगाम छोड़ दे और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया हवाला है नजहरत नाज़िर फ़ी तंबी ख़ातिर सफ़ा नंबर फोर्टी फाइव फिर लिखा है कि नफ़ी शिकस्त खाकर लौट गया उसको इमाम सलाम के बयान किए हुए मताले पर बेहद गुस्सा था यहाँ ये मुकम्मल हुआ अब दूसरे नंबर पर हेडिंग है अबू यूसुफ़ के साथ मनाजरा ये पढ़ते हैं लिखा है कि हारून ने अपनी मौजूदगी में अबू यूसुफ़ को इमाम मूसा काजिम्स से फिकही मसाइल पूछने के लिए कहा के शायद इमाम उनका जवाब ना दे पाएं और इसी तरह इमाम को रसवा किया जाए हारून रशीद ने इमाम को अबू यूसुफ के सामने हाज़िर किया तो उसने इमाम अल्लाम से मंदरजाजल सवाल किए अबू यूसुफ़ हालत अहराम में अहराम बांधने वाले के मुतालिक साया करने के बारे में आपकी क्या राय है इमाम आसलम ने फरमाया हराम है सवाल किया कि अगर कोई शख्स ख़ैमे के अंदर चला जाए या घर में चला जाए तो क्या हुक्म है तो इमाम ने फरमाया कि यह हलाल है अर्ज़ किया गया कि इन दोनों में क्या फ़र्क है इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हालत हैज़ में औरत की नमाज का क्या हुकम है क्या औरत हालत हैज़ के अयाम की नमाज़ की कज़ा बजा लाएगी उसने कहा नहीं इमाम आल ने फ़रमाया क्या रोज़े की कज़ा करेगी उसने कहा कि हाँ तो इमाम ने सवाल किया कि क्यों उसने कहा कि हुक्म ख़ुदा इसी तरह आया है तो इमाम अल्लाम ने फ़रमाया तो इसी तरह ये हुक्म भी आया है अबू यूसुफ़ ख़ामोश हो गया और आजज़ी का इजहार किया उसने हारून से कहा कि, कि आपने ये मेरे साथ क्या किया और यहाँ पर अब हवाला है मुनिब जिल नंबर दो सफ़ा नंबर फोर हंड्रेड एंड ट्वेंटी नाइन और फिर आगे चलते हैं अब नेक्स्ट तीसरे नंबर पे हैडिंग है हारून रशीद के साथ मनाजरा ये काफ़ी लंबा है आइए हम मिलकर पढ़ते हैं लिखा है जब हारून रशीद ने मामूसा सलाम को क़ैद खाने में डाल दिया और आप सलाम दो साल तक कैद की सख्तियाँ बर्दाश्त कर चुके तो उसने एक दिन इमाम सलाम को अपने पास बुला भेजा जब आप सलाम हारून के पास पहुँचे तो उसने बड़े ही गैज़ व गज़ब के साथ कहा कि ए मूसा बिन जाफ़राम दो खलीफाओं के लिए खराज इकट्ठा किया जाता है इमाम सलाम ने बड़ी ही लुत्फ़ और नरमी के साथ उससे मुखातब होकर कहा कि ए हाकिम मैं तुझसे खुदा की पनाह चाहता हूँ कि तू मेरे और अपने गुनाह का बोझ उठाए हमारे दुश्मनों की बातों को हमारे खिलाफ़ कबूल करे तू जानता है कि रसोल अक्रम सम की वफ़ात के वक्त से ही हम पर इतहाम लगाए गए ते हे अलिफ मीम अलिफ ते लगाए जाते रहे अगर तुझे रसूल रसुलकरम सल्ह वसलम से कुछ कराबत है तो क्या मुझे इस बात की इजाज़त है कि मैं तुझे एक ख़बर सुनाऊँ जिसको मेरे पिदर बुजुर्ग बुजुर्गवार अपने आबा से और उन्होंने मेरे जद्द अमजद रसूल अक्रम नकल किया है हारून ने आप आपाम को इजाज़त दी इमाम ने फरमाया कि मुझे मेरे वालद बुज़र्गवार ने अपने आबा से और उन्होंने अपने जद रसूल सलील वम से नकल किया है रिश्तेदार जब रिश्तेदार से अपना बदन मस करता है तो मिल कर बेचैन हो जाता है बस तू अपना हाथ मेरे हाथ में दे। फिर लिखा है कि हारून के दिल में रहम आ गया उसने अपना हाथ इमाम की तरफ बढ़ाया उनको अपनी तरफ खींचा मोनक़ा किया मीम अलिफ नून काफ़ है किया और फिर उन्हें अपने और करीब किया और इमाम से यूँ गोया हुआ कि आप और आप और के जद ने सही फ़रमाया है मेरे खून में रवानी आ गई है मेरी रगें मुस्तरब हो गई हैं यहाँ तक कि मुझ पर रिक्क़त तारी हो गई है और मेरी आँखों में आंसू भर गए हैं मैं आप से कुछ चीज़ों के बारे में सवाल करना चाहता हूँ जो मेरे दिल में कुछ मुद्दत से खटक रही हैं और उनके मुतिक मैंने किसी से कोई सवाल ही नहीं किया है अगर आप ने उनका जवाब दे दिया तो मैं सलाम को आज़ाद कर दूंगा। तो आप के बारे में किसी की कोई बात नहीं सुनूंगा मुझे ये ख़बर मिली है क्या आप सलाम ने कभी झूठ नहीं बोला है लिहाजा आप मेरी तस्दीक फ़रमाइए जो चीज़ें मेरे दिल में हैं और मैं आपसे सवाल करता हूँ इमाम सलाम ने फ़रमाया कि जिन चीज़ों का इल्म मेरे पास है मैं उनके सिलसिले में ज़रूर तुझे बताऊँगा अगर तू मुझे उनके मुतिक अमान दे हारून ने कहा आप के लिए अमान है अगर आपने मुझे सच बतलाया और तकैया नहीं किया इमाम ने फरमाया कि जो कुछ पूछना है पूछ ले हारून आप आपलम को हम पर क्यों फ़जीलत दी गई है जबकि आप सलाम और हम एक ही शजरे से हैं अब्दुलतलब की औलाद हमारा और आपका पाप एक ही है हम बनी अब्बास हैं और आप सलाम अबू आपूसलम की औलाद हैं जबकि वो दोनों रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे और दोनों का रिश्ता बराबर का है इमाम सलाम ने फरमाया कि हम ज़्यादा करीब हैं हारून ने कहा वो कैसे इमाम ने फरमाया चूँकि अब्दुल्ल और अबू तालब एक माँ बाप की औलाद हैं और तुम्हारा बाप अब्बास अब्दुल्ल और अबू अबूलब की माँ से नहीं है हारून ने कहा आप सलाम, ये क्यों इद आ करते हैं अलिफ के नीचे जेर है और फिर दाल एंडफ आप ये क्यों इत आ करते हैं कि आप सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस हैं और चचा चचा के बेटे का हाजिब है हे अलिफ जीम बे हाजिब है हालांकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जा चुके थे और अबू तालिब अलैहि सलाम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले वफात पा चुके थे और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चा अब्बास जिंदा थे तो इमाम अलैहि सलाम ने कहा ए हाकिम मुझे इस मसले से माफ रहने दे मुझे मुझसे इसके अलावा और दूसरे मसाइल पूछ ले हारून ने कहा नहीं नहीं आपको इसका जवाब देना होगा तो इमाम सलाम ने फरमाया तू तो मुझे अमान देगा तो तू मुझे अमान देगा हारून ने कहा मैंने आप सलाम को कराम कलाम करने से पहले ही अमान दे दी तो इमाम ने फरमाया कि हज़रत अली सलाम का फरमान है कि हकी औलाद के होते हुए चाहे वो मुजक्कर हो या मोनस किसी एक के लिए भी माँ बाप शोहर और जोजा के अलावा मीरास में कोई हिस्सा नहीं है लिहाजा हक़ीक़ी औलाद के होते हुए चचा को को कोई मीरास नहीं मिलेगी हाँ तय अब ये लिखा है ते ये मीम एन दाल छोटी है हाँ तीम अदी और बनी उमैया कहते हैं चचा वाल होता है उनमें से कोई भी हकीकी नहीं है और उनके पास नबी सल्लल्लाहु सल वसल्लम की कोई तइद नहीं है फिर आप सलाम ने उसी ज़माने के फ़काह का एक जुमला नक़ल फरमाया जिन्होंने इसी मसले में वही फ़तवा दिया था कि जो सलाम के जद अमीरुल अमीरमिन ने दिया था उसके बाद मज़ीद फ़रमाया किद्मा काफ़ाल मीम हमज़ा अहल सुन्नत ने नबी से रिवायत की है कि आप सलील वसम ने फ़रमाया कि तुम में सब के लिए हक़ फ़ैसला करने वाले अली हैं इसी तरह हज़रतमर रज़ी अल्लाह का कहना है कि हमारे दरमियान अली अलैहिस्सलाम सबसे अच्छा फैसला करने वाले हैं और वो यानी कि ब्रैकेट में लिखा है कज़ा और, और वो यानी कज़ा इसम जामे है क्योंकि जिन तमाम चीज़ों के ज़रिए नबी सल्ह् वसल्लम की मदसना की जाए चाहे वो किरात है या फ़रज़ और इल्म हो सब कजावत में दाखिल हैं हारून ने इमाम से मज़ीद वजाहत तलब की इमाम सलाम ने फरमाया कि जिसने हिजरत नहीं की है नबी सल्ह वसलम ने उसको वारिस नहीं बनाया और ना ही हजरत से पहले उसके लिए विलायत साबित है हारून ने कहा कि आपके पास क्या दलील है तो इमाम ने फरमाया कि दलील के तौर पर खुदा बंद कौन पेश करता हूं। सूरे की आयत 72। है कि और जिन लोगों ने ईमान इख्तियार हजरत नहीं की उनकी वलायत से आप का कोई नहीं है। जब तक हिजरत ना करें यहाँ पर तर्जुमा मुकमल हुआ फिर लिखा है, बेशक हमारे चचा अब्बास ने हजरत नहीं की थी हारून की तदबीर नाकाम हो गई और उसकी नाक भवें चढ़ गईं और उसने इमाम से कहा कि क्या आपने हमारे किसी एक दुनिया

की औलाद हैं, जबकि इंसान को उसके बाप और सलाम के नाना है हारून की बात इस वाज दलील के जरिए रद्द फरमाई इन कौमा के अगर नबी को ज़िंदा किया जाए और वो तुम्हारी लड़की से शादी करना चाहें तो क्या तो 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 तुम उसको कबूल कर लोगे हारून ने कहा क्यों नहीं बल्कि मैं इस बात पर अरब और अजम पर फखर करूँगा इमाम सलाम ने फरमाया लेकिन ना वो मुझसे मुतालबा करेंगे और ना मैं ऐसा करूँगा। हारून ने कहा क्यों इमाम ने फरमाया क्योंकि वो मेरे वालिद हैं तेरे वालिद नहीं हारून ने कहा मरहबा या मूसा आप सिलसिले में क्या फरमाते हैं नबी सल वसलम का कोई फ़र्जा नहीं था जबकि नस्ल लड़के से चलती है लड़की से नहीं और आप

कि क्या तेरी इजाज़त है कि मैं जवाब दूँ हारून ने कहा बयान फ़रमाइए इमाम सलाम ने फरमाया कि खुदा वंद आलम का फ़रमान है सूर्य आल इमरान आयत नंबर एटी फोर और एटी फ़ाइव में इन्वर्ट कॉमा के और हमने इब्राहिम सलाम को इसहाक़ा सलाम बूबल दिए और सबको हिदायत भी दी और इसके पहले नूह सलाम को हिदायत दी और फिर इब्राहिम सलाम की औलाद में दाऊद सलाम सलमान सल्लम एूब सलमाम भूसा सलाम और हारून सलाम करार दिए और हम इसी तरह नेक अमल करने वालों को जजा देते हैं जकरिया या ज़करियालम यासी या और इलियाल को करार दिया और वो सब साल ही इनमें से थे इन्वर्टेड कौमिया क्लोज़ हो गया फिर लिखा इमाम ने फ़रमाया कि ए हाकिम ईसी का बाप कौन है हारून ने कहाीम का तो कोई बाप ही नहीं है इमाम ने फरमाया कि खुदा वंदम ने हज़रतसी को मरियम के ज़रिए अम्बियाँ की ज़ुरियत से मुल्क किया इसी तरह हमको हमारी वालदा माजिदा फ़ातिमा ज़ैराम के ज़रिए नबी सल्ह व की ज़ुरियत से मुलहक किया हारून ने इस सिलसिले में इमाम से मज़ीद दलील की ख्वाहिश की तो इमाम ने फरमाया कि खुदा वंद आलम फरमाता है इनवर्टेड कौमा तर्जुमा पढ़ें हम जो यहाँ पे आ, कलाम है कि पैगम्बर सल्ला वसलम इम आ जाने के बाद जो लोग तुमसे कट जहती करें उनसे कह दीजिए कि आओ हम अपने अपने फर्जंद अपनी अपनी औरतों और अपने अपने नफ्सों को बुलाएं और फिर खुदा की बारगाह में दुआ करें और झूठों पर खुदा की लानत करार दें यहाँ पर यह थी सूल आल इमरान की आयत नंबर सिक्सटी वन जिसका अपने तर्ज़मा पढ़ा फिर लिखा है इमाम ने फरमाया कि कोई भी इद आ नहीं करता अलिफ के नीचे ज़ैर है दाल एन अलिफ नहीं करता कर सकता कि नबी अकरम सली वम ने चादर के नीचे और नसारा से मुबाहला के वक्त अली बिन अबी तलिब फ़ातिमा सलाम हसन और हुसैन आसलम के अलावा किसी और को अपने साथ लिया हो हारून के पास कोई और कोई दलील बाकी ना रही चूँकि मामा सलाम ने उसकी तमाम दलीलों को रत फरमा दिया था हवाला है हैयातम जाफराम जेल नंबर एक सफ़ा नंबर 261 से लेकर 265 तक हम इसी मकाम पर आप सलाम के मनाजरों की बहस तमाम करते हैं और हमने कुछ मनाजरे अपनी किताब हयात अमाम मूसा का जाफिर मूसा बिन जाफ़िर के पहले हिस्से में बयान कर दिए हैं तो सामीन अब आइए अगली हेडिंग की जाने मनाजरे हमने पढ़ लिए लिखा है आप सलाम की वसूसियात इस हवाले से लिखा है कि कोई भी बुलंदी शर्फ़ और फज़ीलत ऐसी नहीं है जो इमामूसा सलाम की ज़ात में ना पाई जाती हो हम जैल में आपकी बाज सिफ़ात का तस्करा कर रहे हैं सामीन तादाद आपको बताती हूँ सबसे पहले नंबर पर है कि आपके इलमी फीयूज़ियात दूसरे नंबर पर दुनिया में जोहत तीसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे जू जूदोसखा चौथे नंबर पे लोगों की हाजत रवाई पाँचवें नंबर पे अल्लाह की अतात और इबादत और इसी तरह मज़ीद आगे हम जब पढ़ते जाएंगे सत बताएंगे सबसे पहले नंबर वन पे आप सलाम के फयूजात लिखा रावियों का इस बात पर इजमा है कि मामोसा सलाम ने सॉरी मामूसा सलाम अपने ज़माने के आलम थे आपका अम्बियाँ और की तरह इल्मी था इस मतलब पर शेह मुतकलमिन ने मुतद दलीलें बयान की हैं ख़ुद आपलम के वालिद बुज़ुर्गवारत इमाम जाफर सदसलम ने अपने फ़जंद और की इलमी ताक़त वक़ूत की गवाही देते हुए यूँ फ़रमाया है में तुम मेरे उस फर्जन से कुरान के बारे में जो भी सवाल करोगे वो तुम्हें उसका यकीनी जवाब देगा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया मज़ीद फरमाया फरमायाट कमा की सखावत मार्फत और जिन चीज़ों के लोगों की लोगों को अपने दीन के अमर में इख्तलाफ के वक्त ज़रूरत होती है इनके पास उन सब का इलम है हवाला है हयातलमू सबिन जाफ़राम जिल नंबर एक सफ़ा नंबर वन हंड्रेड एंड थर्टी एट शेख मुफीद फरमाते हैं इन्वर्टेड कॉमा लोगों ने मूसा बिन जाफर सलाम से बकसरत रवायात नकल की हैं वो अपने ज़माने के सबसे बड़े फ़कीर थे हवाला है इरशाद सफ़ा नंबर टू सेवनटी टू उमा ने आपाम से तमाम मनकूला और गैर अकली अकलीम फ़लसफ़ा वग़ैरह की किस्में नक़ल की हैं यहाँ तक कि आप सलाम के रावियों के माबे मशहूर व़रूफ़ हो गए और अब भइए दूसरे नंबर पर जब खसूसियात में हैं दुनिया में जोत लिखा इमाम काजाम ने रौनक ज़िंदी से मुँह मोड़ कर अल्लाह से लौ लगाई थी आपने अल्लाह से नज़दीक करने वाला हरअमल अंजाम दिया इब्राहीम इमाम बिन अब्दुल हमीद आप सलाम के ज़ुहद के मुतालिक यूं रकम तराज़ हैं मैं इमाम अलैहि सलाम के घर में दाखिल हुआ तो आप सलाम नमाज पढ़ने में मशगूल थे और आप सलाम के घर में खजूर की चटाई लटकी हुई तलवार और कुरान के अलावा और कुछ नहीं था हवाला है बिहार अनवार जिल्द नंबर 11 सफा नंबर 265 आप अलैहि सलाम ज़ाहिदाना जिंदगी बसर करते थे और आप का घर बहुत सादा था हालांकि दुनिया इस्लाम के शीयों की तरफ से आपके पास बहुत ज़्यादा अमवाल और हकूक़ शरी इकट्ठा करके लाए जाते थे आप सलाम उन सब को फ़कीरों मोहताजों और अल्लाह की राह में खर्च कर देते थे आप सलाम पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी अबूज़र रज़ी अल्लाह से बहुत मुतासर थे और उनकी सीरत अपने अहाबाब के माबिन यूँ बयान करते थे इन्वर्टेड कौमा खुदा अबूजर रज़ी अल्लाह पर रहम करे उनका कहना है खुदा वंद आलम मुझे जौ की दो दो रोटी देने के बाद दुनिया को मुझसे दूर रखे एक रोटी दोपहर के लिए और दूसरी रोटी शाम के लिए और मुझे दो चादरें दे जिनमें एक को जंग में इस्तेमाल करूं और दूसरी चादर से दूसरे उमूर अंजाम दूँ हवाला है उसूल काफ़ी जिल नंबर दो सफ़ा नंबर वन थर्टी फोर अब तीसरे नंबर पे जो मौला की सिफात और खसूसियात में सिफात हैं वो है जूद सखा आप की सखा की सिफ्त को मिसाल के तौर पर बयान किया जाता है आप के पास महरूम और फकीर आते तो आप उनके साथ नेकी और एहसान करते और थैलियों के दिल खोल कर सखावत करते फिर लिखा इस तरह के उस उनके रिश्तेदारों में यह मशहूर हो जाता था ताजुब है जिसके पास मूसा सलाम की थैलियाँ आईं फिर भी वो फ़कीरी की शिकायत करता है हवाला है उमदतुलतलिब सफ़ा नंबर वन हंड्रेड एंड एटी फाइव और उसके बाद लिखा है आप, सल, आप सलाम रात की तारीखे में निकलते और फ़कीरों को 200-400 दिनार तक की थैलियाँ पहुँचाते थे और यहाँ पर हवाला है तारीख़ बगदाद ज़िल नंबर तेरह सफ़र नंबर ट्वेंटी एट किन्ज़ुल लुग़त सफ़ा नंबर सेवन हंड्रेड एंड सिक्सटी सिक्स फिर लिखा है कि मदीने के गरीबों की आप आपकी की नेमत, बख्शिश और सलाम की आदत हो गई थी म, मदीने के गरीबों को हम ने मोहताजों और फ़ीरों के ए, उन ग्रोहों का तस्करा अपनी किताब आ, हयात हयात अमामों से अल्लाम के बारे में के पहले हिस्से में कर दिया है और अब आइए चौथे नंबर पे हम पढ़ते हैं सिफत लिखी है कि लोगों की हाजत रवाई इस हवाले से तफसीलात कुछ यूँ हैं इमाम इमामों काज़िम की जाती सिफत इंतहाई शौक के साथ लोगों की हाजतों को पूरा करना थी आपने हरगज़ किसी गमज़दा का गम दूर करने में सुस्ती नहीं की आपी सिफत के ज़रिए मशहूर मरूफ हुए ज़रूरतमंद आप के पास आते आप से फ़रियाद करते और आप उनकी ज़रूरतों को पूरा करते उन्हीं लोगों में शहर रह का रहने वाला एक शख़्स था जो हुकूमत का बहुत ज़्यादा मकरूज था उसने हाकिम में शहर के बारे में सवाल किया तो उसको बताया गया कि वो शिया है वो यसरब का पहुँचा पहुँचा और इमा वो यसरप पहुँचा और इमाम के जवा आ, के जवारो पड़ा में रहने लगा इमाम सलाम ने उसके लिए हाँ शहर के नाम एक ख़त यूं तहरी ख़त में यूं तहरीर फरमाया कि जान लो बेशक अल्लाह के लिए उसके अर्श के नीचे एक साया है उसमें कोई नहीं रहता मगर ये कि जो अपने भाई के साथ उसने सलूक और निकी करे या मुसीबत में उसके काम आए या उसको खुश करे और ये तुम्हारा भाई आ, है और वसलाम यहाँ पे खत का मतन ख़त्म हुआ जो तहरीर लिखी थी फिर लिखा है कि वो शख्स इमाम सलाम का ख़त लेकर हाकिम के पास पहुँचा जब उसने दरवाज़ा खटखटाया तो एक नौकर बाहर आया और उसने पूछा कि तुम कौन हो उस शख़्स ने कहा कि मैं साबिर इमाम मूसा सलाम का कासिद हूँ और नौकर ने जल्दी से हाकिम तक यह ख़बर पहुंचाई, तो वो नंगे पैर बाहर निकल आया और उसने बड़ी बेचैनी के साथ उससे इमाम आलम के हालात दरियाफ्त किए और उस शख्स का बड़े ही एहतराम वक्राम के साथ इस्तकबाल किया जब उसको इमाम आसमाम का ख़त दिया तो उसने ख़त को चूमा जब उसने वो ख़त पढ़ा तो उसमें तो उसमें उस शख़्स उस के तमाम अमवाल को माफ़ करने की दरख्वास्त की गई थी हाकिम ने सब उसको दे दिए और जिसकी कोई तकसीम नहीं की जा सकती थी उसकी कीमत अदा की हाकिम ने बड़ी नरमी से कहा ए मेरे भाई क्या तुम खुश हो तो उसने कहा कि हाँ खुदा की कसम मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ फिर वो रजिस्टर मंगवाया जिसमें उस शख़्स के कर्जे लिखे हुए थे और उन सब पर कलम फेर दिया उसको बरी ज़िम्मा उस करार दे दिया वो वहाँ से उस हालत में निकला कि उसका दिल खुशी से लबरेज था और वो उसने अपने वतन की राह ली फिर वो वहाँ से मदीना पहुँचा इमाम आलम को हाकिम के व करम और मेहरबानी की ख़बर दी इमाम आसमाम बहुत मसरूर हुए उस शख्स ने इमाम आल्ल की खिदमत में अर्ज़ किया ए मेरे मौला क्या आप इससे खुश हैं फरमाया कि हाँ ख़ुदा की कसम उसने मुझे और अमीर उमोमिनलम को खुश कर दिया खुदा की कसम उसने मेरे जद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश कर दिया और ख़ुदा को खुश कर दिया हवाला है हयातुल इमाम मूसा बिन जाफ़र जल्द नंबर एक सफ़ा नंबर 161 और 162 और पांचवे नंबर पर हम पढ़ने जा रहे हैं हेडिंग है अल्लाह की अतात और इबादत लिखा है कि आप सलाम अपने ज़माने के सबसे ज़्यादा इबादत गुजार थे यहाँ तक कि आप सलाम को अब्दसाले और मुजतदीन की ज़ीनत के लक़ से याद किया जाने लगा किसी शख्स को आप सलाम की तरह इबादत करते नहीं देखा गया रामियों का कहना है कि जब आप सलाम नमाज के लिए खड़े होते तो आप सलाम की आँखों से अश्क जारी हो जाते और आपका दिल अल्लाह की तरफ के खौफ से परेशान हो जाता फिर लिखा है कि आप की इबादत के चंद नमूने ये हैं कि जब आप मस्जिद में रात के पहले हिस्से में दाखिल होते तो एक सजदा बजा लाते जिसमें बड़े ही गमगिन अंदाज में ये कहते कि मेरे गुनाह बड़े हो गए हैं तो तेरी अफ गुज़र भी अच्छी होगी ए तकवा और मगफ़रत वाले ख़ुदा और आप तक अल्लाह से तोबा और खुशु खुजु वाले यही क्लम अदा करते रहते हवाला है वक़ियातुल आयान जिल नंबर चार सफ़ा नंबर नाइन्टी थ्री और किन्ज़ुलुगत सफ़ा नंबर 766 और अब हम आ गए हैं अगले सफ़े यानी कि 318 पर यहाँ लिखा है आप सलाम नमाज़ शब पढ़ते और उसको सुबह की नमाज़ तक तूल देते उसके बाद आप सलाम नमाजें सुबह बजा लाते फिर सूरजसलू होने तक ताकिबात नमाज़ पढ़ते उसके बाद सजदे में चले जाते और जवाल आफ्ताब के क़रीब तक सजदे से सर नहीं उठाते थे हवाला है कशफुल गम्मा सफ़ा नंबर टू हंड्रेड एंड सेवेंटी सिक्स फिर लिखा शिबानी से रिवायत है कि मैं दस से कुछ ज़्यादा दिन तक इमाम मूसा सलाम की मुसाहबत में था आप तलुए आफ्ताब के बाद से जवाल आफ्ताब तक सजदा करते थे और यहाँ पर हवाला हयातुल इमाम मूसा जा, बिन जाफ़र अम जिल नंबर एक सफ़ा नंबर वन हंड्रेड एंड फोटी फिर लिखा है जब हारून ने आप आपाम को रबी के क़ैद ख़ाने में रेब ये आन रबी के क़ैद ख़ाने में डाला तो वो मल इतला के लिए अपने महल के ऊपर से इमाम को देखता था और इसको इमाम वहाँ नज़र नहीं आते थे उसको सिर्फ़ एक मखसूस मकाम पर एक पड़ा हुआ कपड़ा नज़र आता था जो अपनी जगह से बिल्कुल हटता नहीं था हारून ने रबी से कहा कि वो क्या कपड़ा है जिसको मैं हर दिन एक खास मकाम पर पड़ा हुआ देखता हूँ रबी ने जल्दी से कहा कि ए अमिन वो कपड़ा नहीं है वो इमाम मूसा बिन जाफ़र सलाम है जो हर दिन तलुए आफ्ताब से लेकर जवाल आफ्ताब तक सजदा करते हैं हारून मुताजब हुआ और उसने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा आगा हो जाओ ये बनी हाशिम के जाहिदों में से है फिर लिखा है कि रबी ने हारून से मुखातिब होकर कहा कि एबादशाह तूने इमाम सलाम को क्यों कैद में डाला है हारून ने उसकी तरफ़ से मुंह मोड़ते हुए कहा कि इमाम सलाम को क़ैद में डालना ज़रूरी था सनदी बिन शाहक की बहन से वारद हुआ है कि जब इमाम सलाम उसके भाई के क़ैदाना में थे तो उसका कहना है कि ये यानी इमामूसा काज़िम जब नमाज ईशा से फ़ारिग हो जाते तो रात ढलने तक खुदा की हमदोसना व तमजीद और उससे दुआ करते उसके बाद तुलुए फजर तक क़याम व नमाज में मशगूल रहते फिर सुबह की नमाज़ अदा फरमाते और उसके बाद तुलुए आफ्ताब तक खुदा का ज़िक्र फरमाते फिर चाश्त के वक्त चेलफ शीनते के वक्त तक बैठते उसके बाद सो जाते और जवाल से पहले बेदार हो जाते उसके बाद वजू करके नमाज जहर व असर बजा लाते उसके बाद ज़िक्र खुदा करते यहाँ तक कि नमाज मग़रब का वक्त आ जाता तो आप नमाज मग़रब बजा लाते उसके बाद नमाज मग़रब ऐशा के माबे नमाज अदा करते और दाइ अजल को लबैै कहने तक आप का यही तरीक़ार था हवाला है तारीख़ अबुलफा जल्द नंबर दो सफ़ा नंबर ट्वेल्व कसरत सजूद की बिना पर आपाम के ऊँट के घट्टों की तरह घट्टे पड़ गए थे और आपका एक गलाम था जो आपकी पेशानी और नाक के ऊपर से घट्टे का गोश्त काटता था इसी सिलसिले में बास शायरों ने यूँ कहा है थम तर्जुम पढ़ रहे हैं कि कसरत सजूद की वजह से आप सलाम के आज़ाय सजदा पर बेशुमार घट्टे पड़ गए थे इसीलिए आप सलाम आपद खाना से की फ़रागत को अपने लिए आरजू करार दिया यह क़ैद खाना आप के लिए साबित हुआ और यहाँ पर हवाला है अनवारुल बहिया सफ़ा नंबर 93 थ्री फिलका ये आप की इबादत के चंद नमूने थे जो आप के आबाव अजदाद की इबादत की हिकायत करते हैं जिन्होंने मुखलिस तौर पर खुदा वंद आलम से तोबा की और हमने इमामूसा काजिम की इबादत के मुतालिक तफसील के साथ अपनी किताब हयात इमाम काजिम्लम में जिक्र कर दिया है सामीन यहाँ पर हम पेश थ्री हंड्रेड एंड नाइन्टीन पर आपसे इजाज़त चाहते हैं अभी हम जो पढ़ रहे थे हमने अभी तक पाँच पढ़ी हैं कि मौला की सिफात व खसूसियात और अब इसके आगे भी मज़ीद हैं यकीन वो हम अगली अपनी नशिश में पढ़ते हुए इस तमाम तफसीलात को मुकम्मल कर लेंगे इजाज़त दीजिए खुदा हाफ फीमान